हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको लेके आए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो AKTU की जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो सेकंड ईयर में हैं उनके पास सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो में तक जरूर बने रहें। अगर आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो नीचे में कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपको PDF भी पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगा। पहला यूनिट है, पहले यूनिट से हमारे मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला प्रोग्रामिंग साइकिल्स ऑफ पाइथन। 100% ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन IDE एंड डिस्कस सम पाइथन IDE। आपको बताने कि पाइथन IDE क्या होता है और साथ ही साथ आपको कुछ IDE के नाम बताने हैं। थर्ड है टाइप कन्वर्जन। फोर्थ टॉपिक है एक्सप्रेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पांचवा, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं इनमें से ही, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो यूनिट नंबर 2 में हमारा जो मेन टॉपिक बनता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। आपको 100% इस बार इनमें से एग्जाम में आपको जरूर से जरूर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रोग्राम फ्रॉम फॉर चेक इफ द इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, एक इस तरह का आपको प्रोग्राम लिखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है फ्लोट रिप्रेजेंटेशंस इन पाइथन। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ टॉपिक है प्रोग्राम फॉर फिबोनाची नंबर। फिफ्थ टॉपिक है लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड नेस्टेड लूप विद एग्जाम्पल। इनमें से आपको कुछ ना कुछ 100% इस बार एग्जाम में मिलेगा, चाहे लूप मिले, फॉर लूप मिले, वाइल मिले, डू वाइल मिले या नेस्टेड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। आपको बताना है कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन में क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का जो मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन होता है पहला डिफाइन फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शंस एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप्स रूल्स इन पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशंस ऑन स्ट्रिंग्स एंड इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरेज और लिस्ट वाला, आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताना है टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है। इन चारों में से आपको 2-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में डिफाइन करने के लिए। यूनिट नंबर 4 की तरफ चलें तो यूनिट नंबर 4 में हमारा जो मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन बनता है पहला मॉड्यूल इन पाइथन, इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। सेकंड है एक्सप्लेन सीप्स ऑफ आर्टिसंस विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग एंड फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शंस, डेटा टाइप्स, ADT जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल्स एंड पैकेज। आपको बताना है कि पैकेज और मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासेस इन पाइथन एंड ऑप्स एंड इनहेरिटेंस इन पाइथन। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस। यूनिट नंबर 5th और लास्ट यूनिट है सब्जेक्ट्स की। जो पहला क्वेश्चन बनता है टॉवर ऑफ हनोई विद प्रोग्राम। नेक्स्ट है फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम रिकर्सिव। नेक्स्ट है मर्ज शॉट, सिलेक्शन शॉट एंड इंसर्शन शॉट विद प्रोग्राम। नेक्स्ट है सर्चिंग, जिसमें हम बाइनरी सर्च और सिंपल सर्च को हमें अच्छे से करना है साथ ही साथ विद प्रोग्राम के। नेक्स्ट है रिकर्सन एंड फैक्टोरियल प्रोग्राम। रिकर्सन और फैक्टोरियल प्रोग्राम के आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सन एंड इंटरेशन डिफरेंसेस। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स प्रोग्राम। आपको प्राइम नंबर प्रोग्राम्स के क्वेश्चन करने 100% इस बार एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुल मिला के यूनिट नंबर सारे यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो के पूरा जितना मैंने बताया सारा पढ़ के जाते हो तो आप AKTU के यकीनन मानो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।